सो वेलकम फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। पहले डेफिनेशन जाएंगे, बाद में प्रॉपर्टीज जानेंगे। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल है मित्रों। इधर देखिए डेफिनेशन क्या है। ए डायगोनल मैट्रिक्स ही सेट टू बी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट, मतलब एक ही रहना चाहिए, वन नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय IM। ए मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, जब ए मैट्रिक्स डायगोनल है तो मतलब ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक रहना ही चाहिए। ओके, एंड दिस इज डिनोटेड बाय IM, मतलब मैं IN इसको I2 लेता हूँ, मतलब इधर टू रोज एंड टू कॉलम्स। इधर देखिए एग्जाम्पल इस तरह हम लिख सकते हैं, 2x2 ये I2 हो गया। ओके, बाद में मैं I3 लिखता हूँ, 3 rows and 3 columns, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 rows and 3 columns, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और एक लेता हूँ I4, ओके, 4 rows and 4 columns, इस तरह आएगा। ओके, इधर देखिए 4 rows है 4 columns है, ये डायगोनल एलिमेंट्स सेम ही रहना चाहिए। इधर देखिए डायगोनल एलिमेंट्स 1 1, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 रहने से बाकी का एलिमेंट्स 0 ही रहेगा। ओके, ये डायगोनल मैट्रिक्स ए और स्क्वेयर मैट्रिक्स भी है। ओके, देन और इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, I इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन, सो इट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी कहा जाता है। और सेकेंड पॉइंट्स में है, ए इंटू आई और आई इंटू ए इज इक्वल टू ए ही आएगा, मैट्रिक्स ए आएगा। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, इधर मैट्रिक्स ए ए, इधर 2 3 4 5 है। ओके, देन मैट्रिक्स आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, सेम ऑर्डर रहना चाहिए। मैं ए इंटू आई करता हूँ फर्स्ट। ओके, नाउ 2 3 4 5 इंटू 1 0 0 1, इधर देखिए मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, रो इंटू कॉलम, 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 2 0 ये 0 हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 0 हो गया, 3 इंटू 1 प्लस 3 हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इधर देखिए 4 इंटू 1 4 हो गया, प्लस 5 इंटू 0 ये 0 हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम, 4 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 5 इंटू 1 हो गया 5। इधर देखिए ये हो गया 2 3 4 5 आ गया। ओके, मैं बाद में I इंटू ए लेता हूँ। ओके, 1 0 0 1 आ गया, बाद में ए मैट्रिक्स 2 3 4 5 है। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रो इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 ये 2 हो गया, 0 इंटू 4 प्लस 0 हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 3 3 प्लस 0 इंटू 5 0 हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 4 ए 4 हो गया, बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 3 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 5 ए हो गया 5। और इसका मैट्रिक्स आता है 2 3 एंड 4 5। आई इंटू ए इंटू आई और आई इंटू ए दोनों आंसर सेम है, ये दोनों मैट्रिक्स ए ही आता है, इसलिए आई ए इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स ए आएगा, ए मैट्रिक्स ए है। ओके, बाद में थर्ड प्रॉपर्टी लेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी में आई रेस्ट टू एन इक्वल टू आई है, मतलब अगर हम आई इंटू आई करेंगे। ओके, 1 0 0 1 हो गया, 1 0 0 1 आई इंटू आई, अगर हम इसको मल्टीप्लीकेशन किए तो रो इंटू कॉलम रो इंटू ए 1 0 0 1 ही आएगा। ओके, सपोज आई स्क्वेयर इंटू आई आएगा, आई क्यूब, ये आई स्क्वेयर का वैल्यू है 1 0 0 1, मगर अगर 1 आएगा 1 0 0 1, अगर इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए तो 1 0 0 1 ही आएगा। दैट इज़ आप कितने भी i^4 i^5 कितने भी बड़ा हो, n इक्वल टू कितना भी बड़ा हो, वो मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा, ये तो यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। कितने भी बार आई क्यूब i^4 i^5 i^6 एंड r^n इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। ओके, ना फोर्थ प्रॉपर्टी, i^-1 इज इक्वल टू आई आएगा। ओके, आई मतलब क्या है, 1 0 0 1 है, इसका रेस्ट टू माइनस वन किया तो, सपोज 1 रेस्ट टू
वन डेस टू माइनस वन क्यू वन बाई वन आएगा अथवा वन ही आएगा, ओके मतलब सेम ही आएगा, यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा, नो डाउट, ओके। लास्ट सॉरी फिफ्थ प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ आई इक्वल टू यूनिट वन ही आएगा, आंसर वन आएगा। ये कैसा है देखेंगे, पहले एक मैट्रिक्स लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, इधर हम थ्री क्रॉस थ्री लेंगे, इसका हम डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे, वन इंटू ए मल्टीप्लीकेशन होगा वन माइनस जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस लेंगे माइनस जीरो, ये चारों कंसिडर करेंगे, जीरो इंटू वन जीरो हो गया, माइनस दिस इंटू दिस जीरो हो गया, प्लस जीरो इसको कंसिडर करें, बाद में ये फोर जीरो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस जीरो माइनस जीरो आ गया, एंड दिस इक्वल ए वन हो गया, माइनस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू वन। आप कितना भी ऑर्डर ले लो डिटरमिनेंट ऑफ आई इक्वल टू आंसर वन ही आएगा, ओके। लास्ट पॉइंट है सिक्स पॉइंट, इधर देखिए, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स एंड हेंस डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है डेफिनेशन प्रॉपर्टी। अगर आप इस वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए, सब्सक्राइब किए तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगा। थैंक यू।